आप तर जाते हैं तो वहां उन्होंने कहा प्रभु आप क्या चाहते बटों को। उन्होंने कहा राजन हमें तीन पग प्रगति की याचना है, हमें तो तीन पग प्रगति चाहिए। हे बटों को आप क्या मांग रहे हैं? आपने विचार नहीं किया महाराज बलि के यहाँ जो कोई आ जाए उसे दोबारा नहीं मांगना पड़ता, एक बार मांग करके ले जाए फिर उसे मांगने नहीं जाना। बोले राजा ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बोले आप क्या जानते? बोले मैं जानता हूँ प्रहलाद, और प्रहलाद कैसे भगवान के भक्त, प्रहलाद के विरोचन जिन्होंने अपने शरीर को दान में दे दिया और फिर के तो महाराज बलि। अब आपके पूर्व जो को अच्छी तरह से जानता है, आपको केवल इतना कहो कि वो तीन पग पग भी देना चाहता है। उन्होंने दे दिया प्रभु, अब देंगे तीन पग पग, कोई बात नहीं जहां आप चाहे जाए। अब गए अंदर, अंदर प्रसन्नता से जा रहे थे वहां पहुंचे और अब अपने राज्य को ये कर्तव्य है। या भी विचार कर लो सोच लो, मारे पति को बिना पत्नी की राय के कोई वस्तु बिना सलाह के नहीं देना चाहिए। पत्नी अर्धांगिनी, पति और पत्नी का आधा आधा ये दिन सासों की बातें हैं जिसमें स्त्री तत्व ज्यादा हो जाता है उसमें वो दब जाता है। लिखी पड़ी बात है और जिसमें पुरुष स्त्री में ज्यादा हो जाएगा वो सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से पति पत्नी दोनों अलग नहीं है, ये तो थोड़ा पहले ही रचा हुआ है और उसे ख्याल को त्याग देना चाहिए कि हमारी पत्नी कैसी है। अरे सावधी है इसके साथ निभाए नहीं करते लड़का के नहीं तैयार। अरे भैया अगर उसमें गुण है तो क्या बुराई है, गुण अभी अच्छे है कोई बात नहीं। सुंदर को क्या देखते हैं? सुंदरता देख करके क्या? अष्टावक्र जी महाराज से उन्होंने कहा था नहीं सभा में, जनक की सभा में हंस गए देख करके। उन्होंने कहा भाई क्या बात है महाराज, बहुत अष्टावक्र जी महाराज। उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों हंसे? उन्होंने कहा महाराज आप क्यों हंसे? हम तो जाते हंसे बोले कि आप लोग में सब जितने भी बैठे हैं सब इसी कार्य के करने वाले हैं, माने चमड़े की जांच करने वाले हैं, इसलिए और बोले तुम क्यों हंसे? बोले हम जांच ले आपके कीड़े देख करके हंसे। बोले इसलिए तुम्हारे शरीर को देखो उसके गुण को देखो, सुंदरता मत देखो अंदर की सुंदरता। सौरी कौन थी? भीलनी। तो भीलनी से बड़ा कौन होता है? बुरा नीच जाति वर्ग जाति भीलनी। लेकिन भीलनी से क्या कहा भगवान ने अंत में? अब वो रामायण की पूरी बात करें नवता भक्ति प्राय बहुत हो जाएगा। बोले नव पाए कौ जेल के बताया बोले नौ में एक नव पाए एक जिनके हुए नौ भक्ति चाहिए कि ये नौ करे इनमें और इनमें सबसे प्रधान भक्ति कौन है? पृथ्वी में भक्ति तने कर सकता
बस यही बताया उन्होंने, इशारा किया है नब पाए एक जिनके हो ये जितनी बताई इन सबों में आठों में शर्त लगी है। समय मिलेगा कभी बताएंगे। आठों में शर्त लगी है और इसमें कोई शर्त नहीं, बिना शर्त की एक ही प्रथम है भगत ही संचार कर सकता। सोई अत सहे प्रिय भावे ने मोरे सकल प्रकार बाकी तो नव पाए कौ जिनके हो नारी पुरुष सचराचर कोई नारी पुरुष सचराचर जो सृष्टि बर्बाद उनमें से कोई कोई सचराचर सब चर चर तो उन्होंने कहा और बोले तेरे अंदर तो सारी भक्तियां बह गई। सोई अंत सहे प्रिय भामिनी बोले भास्वर भामिनी बात था ये दो तीन बार कहा उन्होंने भामा तो भामिन तो पत्नी को कहते हैं क्या राम की पत्नी है नहीं राम की पत्नी तो है भी और एक हिसाब से है भी कैसे कैसे नहीं माने ये इनके अंदर भक्ति थी और भक्ति इसके अंदर होती वो भगवान को अधिक और भागवत किसको मन की सुंदर जिनका मन सुंदर हो सो या तो शायद प्रिय भावना उसको भावना कहते हैं। तो सुंदर क्या बोले निर्मल मन जाने सो वो ही पावा होता भाई मुझे पाते निर्मल मन जल जिनका मन निर्मल होता है वह जन माने मनुष्य वही मनुष्य मुझे और मोह कपट छल छत्र छली कपटी छिद्री ये मुझे नहीं पा सकते हैं। नाटक करने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। जिनका कण विश्वास हो मेरे प्रति वो मुझे प्रिय वो मुझ पर भरोसा करते वो मुझे प्रिय जो सर्वस्व त्याग करके मेरे ऊपर बल देते वो मुझे प्रिय। अब जा करके महारानी ने पूछा स्वामी आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। बड़े प्रसन्नता की बात है महारानी आज हमारे यज्ञ में एक बटुक पधारे हमारे यज्ञ में बटुक पधारे और उनका आने से हमारा यज्ञ पूरा हो गया। लेकिन देवी कुछ भी चाहते हैं क्या चाहते बोले तीन पग पग भी बोले महाराज ये कैसे है तो तीन पग पग भी चाहते हैं। बोले भाई उन्होंने ये कहा कि जितनी आवश्यकता उतनी लेना चाहिए और ठीक है चलो दे देंगे। जब महाराज और महारानी चलने को तैयार हुए उसी समय गुरुदेव आ गए शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज बोले राजा शुक्राचार्य जी महाराज बोले हे राजा
कैसी प्रसन्नता है, उन्होंने कहा कैसी प्रसन्नता है, क्या बोले हम तीन पग प्रकृति ब्राह्मण को देने के लिए जा रहे हैं, छोटे से बाबा बोल के है। बोले राजा कैसी भूल कर रहे हो, तुम्हें बिना विवेक खो दिया, विवेक से क्या सुन हो गए तुम। महाराज बड़ी बोले क्यों दे, बोले इसलिए कि वो पावन भगवान कौन है जो बटो बता रहे है, वो बता रहा है विष्णु है। बोले बस बस मैं तो धन्य हो गया, आज मेरे यज्ञ में स्वयं नारायण बना रहे हैं, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, तब मुझे क्या चाहिए। अरे बोले तीन पग में सब ले लेंगे, अरे बोले सब लिखा दिया हुआ मेरे पास, और यदि वो मांगने के लिए आए तो ले ले। अब तो क्रोधित हो गए गुरुदेव, बोले मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। राजा मान जाओ तीन पग पग पग, उन्होंने कहा कि जो कह दिया हमारे पूर्वज ऐसे हुए, जो कह दिया सो कह दिया, जैसे राम जी के पूर्वज कैसे थे, भगवान राम के पूर्वज हो। बोले रघु कुल तो सदा चलिया प्राण चाहे भलाई चले जाए, परु परु बचत न जाए। परु का है लिखा कृपा ने, बोले परु बचत न जाए, पर लिख देते कट्टों को पर करते पर बचत न जाए, लेकिन परु का है। बोले बाहर बधे दे तो हो परु लिखता दे परु दे चाहे भलाई हो तो बोले सदा चले जाए, प्राण चाहे चले जाए पर बदल नहीं जाए। तो हम जानते हैं दोनों ने कहा कह दिया तो कह दिया, हम क्रोधित हो गए गुरुदेव के की बाणी को नहीं माना है, आज्ञा का उल्लंघन किया है, क्रोध करके श्राप दे दिया, महाराज बनी तुम श्रीहीन हो। बस इतना कहा, गुरुदेव के चरणों में पड़ गए और आंखों से आंसू झलक आए, बोले गुरुदेव आज तुमने हमारा कल्याण कर दिया, ऐसा क्यों, मैंने तुम्हें श्राप दिया। बोले गुरुदेव बोले आपने कहीं गलत किया, आपने मेरा कल्याण कर दिया। कैसे राजन कैसे, बोले ऐसे जब मेरे पास कुछ नहीं है, सब भगवान की प्राप्ति हो गई, सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया वाली है, तब कौन भगवान राम प्राप्त। भारी जब कुछ नहीं बचा तो भगवान की प्राप्ति हुई, गुरुदेव आपने मेरा कल्याण कर दिया। पति पति पहुंच गए यज्ञ में, यज्ञ में जाकर के उन्होंने पति पत्नी ने संकल्प किया संकल्प करने के लिए, लेकिन अब पैसे कई लेख तो ऐसा मिला नहीं है, लेकिन सब कह देते हमें लेख नहीं मिला तो अपनी बात की बात करूं। तो उन्होंने कहा जल डालने के लिए जैसे महाराज ने डाला कमंडल से जल से गंगा सागर में, उसकी टोटी में सुंदर चाची बह गए। अब ये कहां तक सत्य है कहां तक झूठी है, पर टोटी में बैठ गए। भगवान ने कहा राजा बलि से, महाराज जल नहीं निकल रहा तो एक काम करो, की थी, उनकी एक आंख शुक्राचार्य चले गए, लेकिन वैसे हमारे हिसाब
जिसके हिसाब में जो बात आए वो कहते हैं, हमारे हिसाब में ना उनकी याद होती है बल्कि विवेक की याद। हमारे हिसाब से महाराज गुरुदेव की याद खुली विवेक की, ये आगे खुलता है देख रहे हैं क्या आगे, लेकिन विवेक की आग अंदर होती है। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र क्या वो ज्योति ज्वाला, लेकिन विवेक की आग एक अंतर होती है प्राणी की, तीसरी आग होती है। अब जाके खुल जाए जिसकी ना खुले उन्हें साहब लड़का को पढ़ाते पढ़ाते चक्कर गए, बहुत टेंशन लगाया, बड़े बड़े भाषणों ने पढ़ाया, तो क्या पढ़ेगा उसकी जो भी देखी आग अंदर बंद कहाँ से पढ़ेगा। उन्हें कहा वो छोटा बच्चा है तो बड़ी ज्ञान की बात है करता, उसकी बेबी की आप पहले से बोले प्रण जाकर संकल्प कर दिया तेरे पर पृथ्वी पाली संकल्प बोल दिया। हम महाराज बने अपनी पति की छार तेरे पर पृथ्वी ये बटुक को पावन भगवान को आप देते संकल्प उन्होंने ले लिया। बोले राजन अब हम कहान आपने, हम कहान आपने जहां चाहिए ना आप किधर से ना आप किधर जाओ उधर उधर एक भगवान ने क्या किया पग पातालो शीश नाग पृथ्वी ना पीक में और दूधे में आकाश, पृथ्वी ना पीक में और दूधे में आकाश, और तीजा भगत को रखे तो सब हो असुर फिरा असुर सब कुछ। अब क्या हो भगवान कहते हैं बलि तुमने वचन पूरा नहीं किया है, तत्काल गरुड़ जी को बुलाया और गरुड़ जी से आदेश कर दिया महाराज बलि को बंदर कर बंदर ने बांध दिया महाराज बलि तुम्हारे पूर्व जैसे थे तुमने तीन पग देना स्वीकार कर दिया संकल्प कर दिया दो पग में सब कुछ दे दिया। उन्होंने कहा प्रभु एक बात बताए मैंने सब कुछ आपको दे दिया आपने सब कुछ ले लिया लेकिन ये शरीर तो मेरा ये शरीर मेरा है एक पग के लिए प्रभु आपको मैं शरीर को अर्पित शरीर पर पैर रखा शरीर पर पैर रखा देखो भगवान की लीला करते भक्ति भी तेल रखी है अपनी भी बात बात है दोनों बात बात भक्ति बात है अपनी बात है पैर बढ़ाते हैं शरीर से बाहर इधर शरीर बढ़ता जाता है इधर पैर बढ़ता जाता है लेकिन बाहर नहीं हुआ बस प्रसन्न हो गए भगवान। हे राजा तुम धन्य हो तुम परिपक्व में उत्तीर्ण हुए तीन पग पृथ्वी मैंने प्राप्त कर ली अब तुम हमारे तुम के नाम दिया एक पैर में मैंने तुमको तुम हमारे महाराज बिल्कुल ठीक है इतने में कौन पिता बहाए उस यज्ञ में
प्रहलाद पितामह आए, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, हे प्रहलाद कैसे आना हुआ? बोले, हम इसलिए आए यज्ञ में कि ये कहीं चूक तो नहीं कर सका हमारा। उन्होंने कहा, धन्य है ऐसे कुल में अवतार हुआ है जो प्रतिज्ञा पूर्ण की। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ बांट दो। और कहते महाराज, बांट दो। बोले, बांट दो। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास प्रभु है क्या जो आप देख रहे हैं? आपके पास है क्या जो आप देंगे? और मैंने आपको दिया। पहली बात तो ये कि आप मांगने के लिए आए, मैंने आपको दिया। अब जो मांगने वाला मेरे द्वारे खड़ा है उससे भी क्या मांगा? उन्होंने कहा, दे नहीं देना तो पड़ेगा तुम नहीं दे रहे तो आपको देंगे। बोले, आप क्या देना चाहते हैं? बोले, जाओ सब अपने दैत्यों को लेकर के और स्वतः लोग में जाओ, जो न तुम्हारा है और न किसी का। काय उसको जीत नहीं पाए स्वतः लोग। स्वतः लोग भेज दिया। और बोले, महाराज अब मेरी एक मर्जी है, मैं आपके द्वारे पर पहरा दूंगा। उन्होंने द्वारे पर पहरा देने के लिए कह दिया। भगवान बाबा गए द्वारे पर पहरा देने लगे। सुतल लोग के राज का सुख सार्थक बनकर के सुख हो ईश्वर हो। उस समय में नारद जी गए। नारायण का कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। श्री मन्मनारायणो नारायणो हरि बनाओ ना बना लो अपने लोग को। बोले, ना
बोले क्यों? बोले महाराज बलि ने दे दिया। बोले बलि वो होते हैं, महाराज बलि वो होते हैं, हम अपनी मर्जी से द्वारपाल बने हुए। भैया वो जाने को तैयार नहीं है। बोले चलो आप चलते हैं। अब कोई बोले कभी जाते पार पार तुम। बोले कहा तुमने राखी का तनखा दे रहे तुम, हमें तो जो प्रतिज्ञा क्या कर रहे। ठीक है आप तो नहीं गए भगवान, फिर आप भगवान और भगवान से कराए, उन्होंने उनको प्रणाम किया। बोले उनको प्रणाम किया। बोले प्रभु यही ले गए आप। बोले क्या कर रहे प्रतिज्ञा है भाई, हम द्वार के द्वार पाल रहेंगे। बोले एक बात बताओ, हम और आपका कोई भेद तो नहीं? बोले काहे को भेद है, तीनों देव है एक ही बात है। अरे एक अंतर है, कर्म अलग है। बोले कैसा कर्म? बोले विधाता ने स्थिति की रचना की है और आप इसको पालते हैं, भगवान संघर्ष करते हैं। बोले कोई अंतर नहीं। बोले तो अभी क्या करो कि हम देह पैरा से देह पैरा चार चार पैरा अब मानना पड़ी। तो ये कब आए? एकादशी को भगवान को लेकर के कौन आए हैं? तब यहाँ पर अपने एकादशी का जो होता थे उठाने क्या, तो उसको कहते देव कूटने एकादशी। उस दिन लेकर के वो आई उस रूप से और ऐसे विवाह आज बाग कार्य कर बोलिए विश्व भगवान की जय, देव भगवान की जय। अब देखिए सतयुग के अवतारों की लीला हो चुकी, अब त्रेता युग में भगवान राम के अवतार की लीला प्रारंभ है। ये भी सूक्ष्म में होगी नहीं, ये तो अवतार की लीला तो एक दो दिन में हो सकती है, वो भी ना हो लेकिन सूक्ष्म में हो करना तो है, क्योंकि एक साथ रामावतार और भगवान कृष्ण का अवतार हो चलते हैं। पहले रामावतार हो जाना चाहिए, इसके बाद में द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। आज रामावतार की कथा होती है, देखिए वहां केवल एक बार से ही प्रश्न चला दो। एक बार त्रेता युग एक बार भूपति मन एक बार भूवत मन मानी
इतने समय से चौथा बना गया है, आज तक राजा को मिलाना पैदा नहीं हुई और आज क्यों हुई? इसलिए हुई, पहली बात तो ये कि महाराज के यहाँ श्री गिलाजान को पैदा आज तक नहीं हुई। इनके यहाँ सांता नाम की राजकुमारी थी। महाराज दशरथ जी के यहाँ सांता नाम की राजकुमारी थी। जब तक राजकुमारी रही तब तक गिलानी का प्रश्न नहीं होता है, और जब वो राजकुमारी चली गई वो भी दूसरे के गोत्र में, जब वो अपनी यहाँ जो थी वो अपनी थी और दूसरे के गोत्र में चली गई, गोत्र बदल गया, तो ये फिर निसंतान हो, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो निसंतान नहीं कहलाता। काउले कबो सुनी जब आते के पुत्र कहियो, काउ काउ सुनियो बताओ, काउले ने पुत्र कही कबो कबो, ने पुत्री कही कही ने पुत्री, तो ने पुत्र कोई नहीं कहता है, पुत्री हो वो जरूरी, पुत्र ना हो। यहाँ पर एक बार की बात, तो ये बात इसलिए गिलानी हुई कि इनके यहाँ राजकुमारी चली गई थी। राजकुमारी बता दो, राजकुमारी कहाँ गई, किसके साथ गई? ये देखो परेड का कार्य कर रहे महाराज दशरथ जी, छोटे राजा नहीं है, बहुत बड़े राजा है, भाई जो है अयोध्या नगरी। इनके मित्र थे रौनपाद महाराज, बेबी की पुत्री थी, राजा आखिर की पुत्री बहुत होते थे, राजा पाप बहुत बन जाता था, क्योंकि राजा आज बनता है तो राजा से डर के, राजा डर का भी होता है। तो रौनपाद महाराज के लिए अपनी राजकुमारी दे दी, वो उनके कुल में चली गई, इन्हें गिलानी पैदा हुई। और एक बार की बात, आगे हो कर सुर पति लीना, आगे हो कर सुर पति लीना, सभा में जाते थे अयोध्या नगरी से महाराज आगे होकर सुरपति, देवताओं के पति अर्ध सिंहासन आसन पर, जिस मंच पर बैठे थे उसके बगल में सिंहासन पर बैठा लेते थे। अब एक की बात ये स्वर्ग जाया करते थे, केकई से सबसे अधिक प्रेम करते थे। केकई महारानी ने एक दिन प्रश्न किया, महाराज आप तो देवलोक जाते हैं, वहां से कोई ऐसी प्रिय वस्तु लाओ जो देवलोक में ना हो। ठीक है, ये गए सभा पर, सभा जब बैठ लग गई तब उस समय क्या होता है, तिलक होता है, हार पहनाए जाते हैं, जैसे बालू यहाँ सबके लिए हार पहनाए गए, सम्मान किया गया है, या व्यास बगल के मंच पर बैठे जाज की मान करके सम्मान किया जाता, ये संगीत वाले हैं, ये भी संस्कृति का गायन कर रहे हैं, इनका भी सम्मान किया, ब्राह्मण पाठ करता है इनका भी सम्मान किया, तो सम्मान किया जाता, तो दरबार में सम्मान जब किया तो ट्रक किया, माला पहनाई गई, तो माला का क्या करते हैं, उतार करके कोई हाथ में बांध देता, कोई रख देता है, राजा ने मंच पर रख दिया, उस हार को मंच पर रख दिया, और सभा भर भी चल के रथ पर बैठ करके चले,
और जैसे ही चले याद आ गई कि हमने केकई को वचन दिया, प्रिय वस्तु लाएंगे, वही हार दिया हमने। पहुंचे अंदर पहुंचे, अब वो ये जान रहा कि राजा तो है, पता नहीं कौन राजा। ये पहुंच गए वो वहां मंच साफ, उन्होंने विचार किया राजा ने कि भाई सब मंच साफ होते होंगे, लेकिन उसने वो ही मंच जिस पर राजा बैठे थे उसको साफ किया, पोछा लगा दिया। और करना उधर उन्होंने राजा ने पूछा, भैया एक बात तो बताओ, ये क्या कर रहे हो? अरे बोले कुछ नहीं, अयोध्या के राजा आते हैं, दशरथ जी नाम है उनका, वो इस सिंहासन पर बैठते हैं, बोले पुत्री है। तो हमारे महाराज इंद्रदेव का कहना है कि चलिए आप पोछा लगा दिया, डिप्टी का मुख नहीं देखना चाहिए, इतना असुर बना। इतनी बात हुई राजा को वही से चक्कर आना पड़ा, भूल गए बात, चले वहां से बैठ करके रथ पर। और जैसे ही आगे आकाश मार्ग से चल रहे थे, उन्हें एकदम मूर्छा आ गई। भाई सोचते को एक बार भूपन परमाई और भाई एक लाल हो रहे, ध्यान ध्यान दिया भाई मोरे सुतनाने। बस उसी समय रथ से नीचे गिरे, रथ से नीचे गिरे, रथ से नीचे गिरे। नीचे उस समय कौन पहे चटाई चित्राज आकाश में विचर रहा था, माने ऐसे घूम रहा था। देखिए ऐसे घूम रहा था, चक्कर लगा कर पक्षी जब उतरता है नीचे तो चक्कर लगा के उतरता है, तो ये घूम रहा था ऊपर। और जैसे ही राजा गिरे और पक्षी ने देखा, बचकर जा करके पहुंचा और अपनी पीठी पर धारण कर लिया, महाराज को धारण कर लिया। घूमता रहा जब शीतल मंद सुगंध त्रिवेणी बाई चली, उससे राजा की मूर्छा जागी। जैसे मूर्छा जागी और जाग देखा, मुख से निकल गया, अरे मित्रो तुमने हमें क्यों बचाया? अरे महाराज जब आप मित्र कहते हैं तो मित्र का तो ये परम कर्तव्य है। कैसा कर्तव्य है? जीना मित्र दुख होए दुखारी, ऐसा ना हो जो दूसरे के मित्र का दुख देख करके दुखी ना हो, तो ऐसा मित्र किसका? बोले अगर महाराज बात क्या है बात बताओ, तो उन्होंने बात बताई, अपनी वो कथा सुनाई। और जैसे ही कथा सुनाई, बोले इसलिए है दुख, हमारे यहां कोई संतान नहीं है। गिद्धराज जटायु बोले महाराज एक बात हमारी सुन लो, बोले काय? बोले संतान तुम्हारे यहाँ हो सकते हैं। कैसे राजा? महाराज बोले कैसे ही मित्र? बोले हो सकते, लेकिन तुम ये कहो कि ज्येष्ठ पुत्र हम तुम्हें दे रहे हैं। बोले भाई ये निर्णय हम नहीं कर सकते।
वो भी बताएंगे आप लोगों को बोले कि बिना पति पत्नी के कभी कोई बात नहीं कर सकते, चाहे पत्नी करे चाहे पति करे, दोनों की उसमें सम्मति हो तब उस कार्य को करना चाहिए। ये पति पत्नी का पति पर धर्म यही है और एक पत्नी पर धर्म यही है। तो उन्होंने कहा कि राजे गिरिराज मित्र तुम चलो अयोध्या और भैया इधर देखिए क्या हुआ, वह तो रथ चला गया अयोध्या में पहुंचा, अयोध्या में रथ पहुंचा अकेला रथ आया, हाँ हाँ कार बच गया अयोध्या में। इंद्रदेव ने हमारे महाराज को समाप्त कर रुदन करने लगे, पूरी अयोध्या नगरी में हाँ कार बच गया। गिद्धराज लेकर के जटायु महाराज को और अपने चौक में जाकर के उतरे, जैसे देखा सब प्रसन्न हो गए। महाराज की जय और वहां के महाराज की जयकार लगी, जय जयकार होने लगी महाराज की। महाराज ने गिद्धराज जटायु का सम्मान सत्कार किया, अपनी प्रिय कौशल्या से कहा महाराज ने हमारे मित्र बन गए और उन्होंने ऐसा कहा है यदि ज्येष्ठ पुत्र आप दो हो तो तुम्हारे यहां सत्ता है। उन्होंने कहा स्वामी आप कुछ विचार करो कि नहीं बोले हमने कहा विचार कर अब कैसे कह देंगे ज्येष्ठ पुत्र देंगे। अरे जो सब लोग बात लिखो कि ज्येष्ठ पुत्र कब होता है जब और पुत्र हो गए तब जीता पुत्र माना जाता है, अकेला ये कोई जीता नहीं माना जाता है। तो संकल्प अब महाराज ने कौशल्या महाराज जी ने जाकर के संकल्प कर दिया जटायु के राज को हमने ज्येष्ठ पुत्र आपको दिया, यह संकल्प कर दिया। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ महाराज दशरथ जी को, क्या एक पक्षी के द्वारा पुत्र हो रहे नहीं विश्वास, तो फिर क्या किया अब याद आए तो पुत्री सब चलो गुरु गए गए वो तुरंत मई चरणों में गिर गए आंखों से आंसू बह गए, उनसे गुरुदेव के चरण कमल घूम रहे हैं और क्या कह रहे हैं, निज सुख दुख सब गुरु ने सुनाए, निज सुख दुख सब गुरु ने सुनाए, निज सुख दुख सब सब गुरु सुनाए हो इधर वशिष्ठ ने क्या कहा और कहे वशिष्ठ बाओ मेरे सब आए कहे वशिष्ठ बाओ प्रकार से समझाया राजा दशरथ, लेकिन उन्हें पुत्र की कामना थी। गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं धारो धीर होए सुत चारी, धारो धीर होए सुत चारी, त्रिभुवन में भगत भय हारी, ये सुचारी
तीनों भवनों में विख्यात हो जाएगा, भक्तों का भय को दूर करने वाला ऐसा इतना कह दिया। राजा ने चरण कमल छोड़ दिए, खड़े हो गए, प्रसन्न होने लगे। और इधर ये तो प्रसन्न हुए महाराज दशरथ जी और गुरुदेव की उदासी छा गई। गुरुदेव उदास हो गए गुरु वशिष्ठ को, गुरु वशिष्ठ को छोटी बात रही, गुरु वशिष्ठ से प्रकाल भूत भविष्य वर्तमान तीन काल की जाने वाले। कई आदमी कहते बोले वो महाराज तो गुरु कैसे थे कि उन्होंने आदेश कर दिया राजपुत्र कराओ राम जी का वनवास। अरे वो तो तीनों काल की जाने वाले थे। तो उदास हो गए तो महाराज से कहा गुरुदेव आप उदास क्यों हो गए, इसका कारण कोई कारण नहीं है, वो चाहते हैं सब बात। उन्होंने कहा राजा ना तैयारी करो यज्ञ की, पुत्र से यज्ञ। महाराज ने महाराज ने आज्ञा दी, सबसे तैयारी आ गई, यज्ञ की तैयारियां होने लगी। इधर उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को भेजा श्रीगिरि के पास। श्रृंगी से बजे बुलावा